हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके की सीरीज आगे बढ़ाएंगे। इसे पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तभी ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये है भाग दो। इसमें मैं कवर करूंगा मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप SSC बैंक PO या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं, आप studyiq.com पर या दिए हुए तीन नंबर में से कोई भी एक डायल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है। जो नेशनल पार्क होता है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरिया, और भारत में जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात स्टेट के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, और जो विशेष बातें हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो मैं अलग से बताता चलूँगा। सबसे पहले है खियोनी सेंचुरी, ये दो डिस्ट्रिक्ट में है, देवस और सेहोर। नरसिंहगढ़ सेंचुरी है राजगढ़ में। नेशनल चंबल सेंचुरी, चंबल एक नदी का नाम भी है, मुरैना में है। नौरा देही सेंचुरी है सागर डिस्ट्रिक्ट में। पंचमढ़ी सेंचुरी होशंगाबाद में। पानपत सेंचुरी है शाहदोल में। पलपुर कूनो सेंचुरी, ये एक नेशनल पार्क का दर्जा इसे मिल सकता है आने वाले समय में, यहाँ पे गिर के जो लायन है वो रखे जाएंगे, तो ये है श्योपुर में। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पलपुर कूनो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कब क्या सवाल आ जाए कुछ नहीं पता। जैसे अभी एक एग्ज़ाम में पूछा था कि भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो उसमें हम पिक नहीं कर सकते, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। 25 नाम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप अच्छे से याद रखिए। बोरी सेंचुरी है होशंगाबाद। बगदारा सेंचुरी सिद्धि, फेन मांडला डिस्ट्रिक्ट, घाटी गांव ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। गांधी सागर सेंचुरी है मंडसौर में। करेरा सेंचुरी है शिवपुरी में। केन घड़ियाल सेंचुरी, केन नदी का नाम है, घड़ियाल मगरमच्छ होता है एक तरह का, केन घड़ियाल सेंचुरी है दो डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर और पन्ना। रातापानी सेंचुरी है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। संजय दुबरी है सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। संजय दुबरी का एक छोटा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क है, और इसमें संजय दुबरी नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पे सेंचुरी भी है। सिद्धि डिस्ट्रिक्ट सिंघौरी सेंचुरी है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। सोन घड़ियाल सेंचुरी, सोन अगेन एक नदी का नाम है, और इसमें घड़ियाल मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में है। सरदारपुर सेंचुरी है धार डिस्ट्रिक्ट। सैलाना सेंचुरी रतलाम। राला मंडल सेंचुरी इंदौर। ओरछा सेंचुरी टीकमगढ़। गंगौ सेंचुरी छतरपुर। और वीरांगना दुर्गावती, जिनका नाम रानी दुर्गावती जी के नाम पे रखा है, ये है दामोह में। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपको मैं मैप पे भी दिखाता चलूंगा। अगर मैप पे भी मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें मैप पे पूछा जाए, तो यहाँ पे आपको लोकेशन पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है होशंगाबाद में। 1977 में भी बनी थी, और ये भारत के सबसे पुराने फॉरेस्ट रिजर्व बोरी रिजर्व फॉरेस्ट का ये हिस्सा है, मतलब इसके अंदर बोरी रिजर्व फॉरेस्ट है। 1865 में बना था बोरी रिजर्व फॉरेस्ट। और नदी जो है यहाँ पे बहती है वो है तवा नदी। तवा नदी जो है ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी लेंथ है 172 किलोमीटर। तो जो तवा नदी है ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरती है। और यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क है इसके नॉर्थ में और ईस्ट में, और तावा नदी है इसके वेस्ट में। यानी अगर आप एक मैप बनाओ तो ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, लेफ्ट साइड में हमेशा वेस्ट होता है, राइट में ईस्ट होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सतपुरा नेशनल पार्क नॉर्थ और ईस्ट में है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस तरफ है, और तावा नदी जो है वो वेस्ट में बहती है। तो ये याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं भारत में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें से तावा नदी बहती है, तो आंसर हो गया बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी जो है ये सतपुरा नेशनल पार्क और पंचमढ़ी सेंचुरी के साथ मिलकर बनाती है पंचमढ़ी बायोस्फेयर रिजर्व। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बायोस्फेयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है, इसमें एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंदर हो सकते हैं। और यहाँ पे कई तरह के जानवर मिलते हैं, टाइगर, जैकल यानी सियार, लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, इंडियन फॉक्स, चीतल, सांबर इत्यादि। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है यहाँ पे वो है बाघ यानी टाइगर। दूसरी है बागदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 1978 के अंदर बनी थी। ये जानी जाती है मेनली ब्लैक बक के लिए, ये होता है एक खास तरह का हिरण जिसे बोलते हैं ब्लैक बक। और यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं गोरा नाम का एक पहाड़ है, वहाँ पे कुछ खास तरह की चट्टानों के ऊपर की हुई पेंटिंग भी मिलती है। तो
तो ये भी काफी बड़ा अट्रैक्शन है। और बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साउथ में बहती है सोन नदी, सोन नदी, और सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी, और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अमादो, अमादो नदी जो है ये महानदी में जाके मिल जाती है। तो सोन नदी है सदर्न बाउंड्री पे बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, और जो मेन इसका पर्पस था बनाने का वो था कि हम ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये, यहां पर पहले चीता भी रहते थे, चीता जो है उनका मुख्य भोजन है ब्लैक बक, लेकिन हंटिंग के कारण चीता खत्म हो गए, इस वजह से जो ब्लैक बक है उनका नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया। और मध्य प्रदेश में पलपुर कूनो सेंचुरी में सबसे ज्यादा ब्लैक बक होते हैं, उसके बाद दूसरे सबसे ज्यादा होते हैं बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तीसरी है फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें जो खास जानवर हैं वो हैं ये बार्किंग डियर, सांभर, गौर, वाइल्ड पिग, चीतल, चौसिंगा और पी फाउल। ये कान्हा नेशनल पार्क के एकदम साथ में है फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और डिस्ट्रिक्ट है मांडला डिस्ट्रिक्ट, 1983 में ये बनी थी। फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कान्हा टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कान्हा टाइगर रिजर्व और एक और टाइगर रिजर्व है जिसे बोलते हैं अचनाकमर टाइगर रिजर्व। अचनाकमर टाइगर रिजर्व और कान्हा के बीच में जो कॉरिडोर है जहां से जानवर एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में जाते हैं, तो फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस कॉरिडोर का हिस्सा बनाती है। यानी कि टाइगर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो उतने नहीं रहते, लेकिन जो कॉरिडोर है उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जब कान्हा से अचनाकमर में टाइगर जाते हैं तो या तो वो यूज करते हैं भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या यूज करते हैं फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। एक और बात बताता हूं आपको, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये छत्तीसगढ़ में है और इसे अब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। टाइगर रिजर्व का दर्जा बिल्कुल लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, जुलाई 2017 में इसे मिला है, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ के अंदर इसे मिला है टाइगर रिजर्व का दर्जा। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप कान्हा से किसी टाइगर को अचनाकमर टाइगर रिजर्व में जाना है तो या तो वो होके जाएगा भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या जाएगा फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और फैन सेंचुरी, कान्हा टाइगर रिजर्व और भोरम देव सेंचुरी, ये सारे मध्य प्रदेश में मोतीनाल रेंज के पहाड़ और कवार्ध रेंज के पहाड़ जो छत्तीसगढ़ में है उनसे आपस में कनेक्ट होते हैं। अगली है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मुख्यतः जानी जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ये जो पक्षी है ये देख सकते हैं, ये दोनों फोटो हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, इसका साइंटिफिक नेम है आरडियोटिस निग्रीसेप्स, और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, राजस्थान में ये मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क में मुख्यतः। और घाटी गांव सेंचुरी मानी जाती है जनरली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए। हालांकि और भी जानवर मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि और जानवर नहीं मिलते, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा ब्लैक बक मिलता है, चीतल, लंगूर, मंकी, वुल्फ, ब्लू बुल इत्यादि। और ये है ग्वालियर के अंदर, इट इज सिचुएटेड नियर ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, इसीलिए अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इतना ज्यादा मिलता है तो इसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी भी बोल देते हैं घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नेक्स्ट है गांधीनगर सेंचुरी, गांधीनगर सेंचुरी, और ये मंडसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट को टच करती है दोनों को, नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ मंडसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट को। ये 1983 में इसमें काफी ज्यादा जमीन और ऐड हुई थी, हालांकि 1974 में बनी थी ये गांधीनगर सेंचुरी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंबल नदी इसके बिल्कुल बीच में से होके बहती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको दो भागों में बांटती है, अब एक पश्चिमी भाग और एक उत्तरी, एक पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है वो नीमच डिस्ट्रिक्ट में आता है और जो पूर्वी भाग है वो मंडसौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसको दो भागों में बांटती है चंबल नदी। यहाँ पे कुछ और भी आपको जानवर मिल सकते हैं, जैसे चिंकारा जिसे हम इंडियन गैजल बोलते हैं, या नील गाय, सांभर इत्यादि। एक और चीज यहाँ पे आपको मिलेगी वो है गिद्ध। गांधीनगर सेंचुरी में आपको वल्चर भी मिलेंगे, गिद्ध मिलेंगे, और इनका नंबर भी काफी बड़ा है। इनका नंबर अभी जो लेटेस्ट देखा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उज्जैन के द्वारा लगभग 682 गिद्ध यहाँ पे देखे गए हैं। गिद्धों के साथ एक प्रॉब्लम ये थी पहले भारत में कि डिक्लोफिनेक नाम की दवाई के कारण गिद्ध मर जाते थे, क्योंकि डिक्लोफिनेक ऐसी दवाई है जिसके कारण गिद्ध, देखिए गिद्ध खाते क्या है, गिद्ध खाते हैं मरे हुए लोगों को या मरे हुए जानवरों को। तो अगर कोई गाय भैंस है आपने उसको डिक्लोफिनेक दवाई खिला दी तो फिर वो गाय भैंस के खून में रहती है, और जब गिद्ध उस मांस को खाते हैं जिसमें डिक्लोफिनेक होती है तो फिर गिद्ध का किडनी फेल हो जाता है, और इस वजह से भारत के 99% गिद्ध मर चुके हैं पिछले 40 सालों के अंदर। सो जो वल्चर हैं ये यहाँ पे मिलते हैं, और एक खास तरह का वल्चर मिलता है जिसे कहते हैं इजिप्शियन वल्चर, जो फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट बात,
जो मंडसौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नील गाय की समस्या बहुत ज़्यादा है, नील गाय बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए हमने नील गाय मंडसौर डिस्ट्रिक्ट से गांधीनगर सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर दी हैं। इनफैक्ट 2015 में क्या हुआ था, मंडसौर में किसानों ने एक हंगर स्ट्राइक की थी, एक हड़ताल की थी, क्योंकि जो नील गायें हैं उनके खेतों में आके उनका सारा क्रॉप खा जाती थी, इसीलिए जो एक्स्ट्रा नील गायें होती है उन्हें गांधीनगर सेंचुरी में भेज दिया जाता है। अगली है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगेन जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई किसके लिए गई थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, लेकिन अब सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खत्म हो गए हैं। इनफैक्ट बहुत साल हो गए हैं जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे दिखा नहीं है, इसीलिए इस सेंचुरी को अब डी नोटिफाई किया जा रहा है। बस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट है, सरकार ने तो हाँ कर दी है। अगर ये प्रोसेस हो गया तो ये भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी जिससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य होने का दर्जा छीन लिया जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। और जो बस्टर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसे हम सोन चिड़िया बोलते हैं लोकल भाषा में। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक बग भी मिलता है, और एक खास झील भी है यहाँ पे जिसको बोलते हैं दी हलिया लेक। दी हलिया लेक इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एकदम बीच में है। अगली है केन घड़ियाल सेंचुरी। केन एक नदी का नाम है और केन बेतवा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। केन नदी जो है उसमें काफ़ी पानी रहता है, बेतवा नदी में उतना पानी नहीं रहता, इसलिए केन से बेतवा तक लगभग एक कनाल बनाई जाएगी 200 किलोमीटर की, और वो इनको आपस में जोड़ेगी। तो 220 किलोमीटर की ये कनाल होगी और केन बेतवा को जोड़ा जाएगा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन ये पन्ना नेशनल पार्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क जो है वो बिल्कुल केन नदी पन्ना नेशनल पार्क के बीच में से ही उसको टच करती है, और घड़ियाल यहाँ पे देखे जाते हैं। घड़ियाल एक खास तरह के मगरमच्छ होते हैं जिनमें आपको ये आगे स्नाउट मिलेगा, एक प्रोजेक्शन मिलती है आगे, एक चोंच सी मिलती है लंबी सी, और इसका नाम ही है केन घड़ियाल सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल मगरमच्छ की का संरक्षण किया जाता है। केन नदी और सोन नदी दोनों के अंदर मिलते हैं घड़ियाल, और ये जो सेंचुरी है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। ये एक बात और याद रखिए, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर केन नदी और खुदार नदी दोनों मिलते हैं आपस में, इनका आपस में विलय होता है, आपस में ये मर्ज होते हैं, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि जो खुदार नदी है ये केन की एक तरह से सहायक नदी है। इसके अलावा अगर केन बेतवा प्रोजेक्ट बन गया तो पन्ना टाइगर रिजर्व पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और केन घड़ियाल सेंचुरी पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। एक और बात, अब क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खो जाएगा केन बेतवा प्रोजेक्ट के कारण, पानी में डूब जाएगा, इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि जो आसपास के एरिया हैं जैसे नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, और एक उत्तर प्रदेश में भी है जिसे बोलते हैं रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको केन घड़ियाल सेंचुरी के साथ जोड़ रही है, जिससे जो केन घड़ियाल सेंचुरी और पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा जो खो गया है वो वापस आ जाए, यानी उसको बड़ा किया जाए। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को किन किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ जोड़ा जाएगा, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें नोरादेही और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो केन घड़ियाल सेंचुरी बिल्कुल उसके साथ है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट है खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बनी थी 1955 में और ये देवस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। एक और बात, यहाँ पे एक नदी है छोटी सी जिसको बोलते हैं बाल गंगा। ये एक पवित्र स्थान है, लोग इसमें नहाने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं, और कई तरह के पक्षी यहाँ पे मिलते हैं, पशु मिलते हैं, जैसे चीतल, सांबर, ब्लू बुल, फोर हॉर्न एंटीलोप, वाइल्ड बोर इत्यादि। नेक्स्ट है नरसिंहगढ़ सेंचुरी। ये है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 1974 में। ज़्यादातर सेंचुरी 1974, 75, 70s में क्यों बने, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था, उसके बाद ये बने थे। सो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे भी कई तरह का आपको फ्लोरा फोना यानी पशु और जानवर मिलते हैं। फ्लोरा मतलब होते हैं पौधे और फोना मतलब होता है जानवर। इसको पीकॉक का हेवन कहा जाता है, पीकॉक का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पे पीकॉक यानी कि जो मोर है बहुत ज़्यादा है नरसिंहगढ़ सेंचुरी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक झील भी है जिसको बोलते हैं चिड़ी खो लेक है यहाँ पे, और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है जिसे बोलते हैं स्टेट बर्ड दूधराज, वो भी यहाँ पे देखा जाता है। तो एक तो मोर और एक दूधराज दोनों के लिए फेमस है नरसिंहगढ़ सेंचुरी। इसके अलावा चीतल, सांबर, नीलगाय इत्यादि भी यहाँ पे मिलते हैं, और इसको हम कश्मीर भी बोलते हैं मालवा का। मालवा प्लेट्यू का नाम था पहले, आप जानते हैं मध्य प्रदेश जो है मालवा प्लेट्यू का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, तो मालवा का कश्मीर भी इसको बोलते हैं नरसिंहगढ़ सेंचुरी को।
नेशनल चंबल सेंचुरी, चंबल एक नदी है और नेशनल चंबल सेंचुरी को हम नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तीन तरह के जानवर हैं जिनका संरक्षण किया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एक लाल छत का कछुआ होता है जिसे बोलते हैं बटागुर कछुआ। ये है, आप देख सकते हैं इसकी जो छत है वो लाल रंग की है, इसकी जो गर्दन है वो लाल रंग की है। तो ये है रेड क्राउंड रूफ टर्टल और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यानी अति लुप्त प्राय है। दूसरा है यहाँ पे जिसका बचाव किया जाता है एक डॉल्फिन है जिसको बोलते हैं गैंजिस रिवर डॉल्फिन। और तीसरा है यहाँ पे घड़ियाल, इन तीनों का संरक्षण किया जाता है। ये चंबल नदी के पास है और एक बात यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों का यहाँ पे तीन स्टेट मिलते हैं यहाँ पे, तो तीनों के ट्राई पॉइंट पे है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। आप जानते हैं चंबल नदी राजस्थान भी जाती है, जो कोटा शहर है राजस्थान में वो चंबल नदी के किनारे है। 1978 में इसे डिक्लेयर किया गया था सेंचुरी और अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इको रिजर्व हैं जिनको यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स भी हैं जिनका यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है। अगली है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये होशंगाबाद में है मध्य प्रदेश में और ये 1977 में बनी थी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हमेशा बड़ा होता है उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं। तो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक तो है, उसमें दो सेंचुरी हैं और एक पार्क है। दो सेंचुरी कौन कौन सी हैं, एक तो है बोरी सेंचुरी, एक है पंचमढ़ी सेंचुरी और जो नेशनल पार्क है वो है सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क का नाम सतपुरा इसलिए है क्योंकि सतपुरा एक पर्वतों की श्रृंखला है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। विंध्या और सतपुरा दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर है, हालांकि और राज्यों में भी हैं लेकिन मध्य प्रदेश में भी हैं। अगली है पानपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये शाहदौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मध्य प्रदेश में और इसकी खास बात यह है कि ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क का के साथ है, यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ है, ये उसी का पार्ट है एक तरह से पानपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, टाइगर्स के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर भी टाइगर प्राइमेट्स मिलते हैं। प्राइमेट मतलब जैसे मंकी लंगूर वगैरह, ये प्राइमेट्स होते हैं, एलिफेंट वगैरह। तो ये 1983 में बनी थी पानपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगली है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अलग तरह के जानवर मिलते हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन वुल्फ, गोल्डन जैकल यानी स्वर्णिम सियार और इंडियन लेपर्ड, ये मिलते हैं यहाँ पे और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहाँ पे है, तो चार डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है ये, सागर का में इसका कुछ हिस्सा है, कुछ दामोह, कुछ नरसिंहपुर और कुछ रायसेन। बहुत ही बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और एक और बात, नौरादेही सेंचुरी का कुछ हिस्सा जैसा मैंने बताया पन्ना टाइगर रिजर्व में मिला दिया जाएगा क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा केन बेतवा के बनने से। कुछ और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, दो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र यानी उनके जो बेसिन है वो यहाँ पे मिलते हैं, एक नर्मदा का और एक गंगा नदी का। अब आप कहेंगे गंगा नदी मध्य प्रदेश में तो बहती नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस एक नदी है जिसको बोलते हैं हम यमुना और यमुना जाके फिर गंगा में मिलती है, तो एक तरह से गंगा का जो अपवाह तंत्र है, जो बेसिन है वो यहाँ पे टच करता है। और यमुना नदी जो है इसकी एक सहायक नदी है केन नदी, तो केन नदी जो है वो इस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहती है। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं यहाँ पे, जैसे कोपरा नदी, बामनेर नदी, वयरमा नदी और बियरमा नदी, ये सारी केन नदी की ही सहायक नदियाँ हैं, ये बहती हैं नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यहाँ पे इंडियन वुल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन वुल्फ इसकी की स्टोन स्पीशी है। की स्टोन स्पीशी अगर ना रहे तो बाकी जो स्पीशी है उनका नंबर बढ़ जाता है और फिर जो इकोसिस्टम है वो पूरा खराब हो जाता है। तो की स्टोन स्पीशी इसकी पहचान है एक इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, और वो है इंडियन वुल्फ। और इंडियन वुल्फ के अलावा यहाँ पे गोल्डन जैकल और इंडियन लेपर्ड भी रखा जाता है। यहाँ पे एक लेक भी है जिसे बोलते हैं चोला लेक, चोला लेक। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे ज़्यादा इस पे से आएगा, और वो क्यों, क्योंकि ये जो सेंचुरी है, आपने देखिए भारत में एक ही नेशनल पार्क है जिसमें शेर रखे जाते हैं, एशियाटिक लायन जिन्हें बोलते हैं, और वो है गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में जिसे बोलते हैं गिर नेशनल पार्क, गिर वन। गिर के वनों से अब जो लायन है, एशियाटिक लायन, वो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसका पूरा नाम है पलपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें शिफ्ट किए जा रहे हैं। ऑलरेडी सारा काम हो गया और बहुत ही जल्दी ये शिफ्ट हो जाएंगे। एक और बात, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाना है और उसमें बस एक ही कंडीशन बची है नेशनल पार्क का दर्जा दिए जाने में, कि यहाँ पे लाइन शिफ्ट होंगे और जैसे ही लाइन शिफ्ट होंगे ये बन जाएगा नेशनल पार्क। तो याद रखिए कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाएगा एक बार जब लायन गिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे।
और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था 1981 में। और ये जो प्रोसेस है पूरा गिर से यहाँ तक एशियाटिक लायन लाने का, ये काफ़ी लंबी कहानी है, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगा सारे लायन एक ही जगह नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मान लीजिए कोई रोग हो जाता है तो सारे लायन एक साथ मर जाएंगे और भारत से लायन लुप्त हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस कमेटी ने भारत में देखा कि जो लायन है उनके लिए रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है, और उन्होंने फिर पाया कि कूनोपालपुर है सबसे उपयुक्त स्थान, और यहाँ पे फिर अब सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से रखे जाएंगे। और यहाँ पे एक आदिवासी समुदाय भी रहता है जिसका नाम है सहारिया आदिवासी, सहारिया आदिवासी रहते हैं यहाँ पे, और उनको यहाँ से निकाल दिया गया है ये कहकर कि यहाँ पे गिर लायन आएंगे तो यहाँ पे आपकी जगह नहीं है। एक और बात, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, फैयाज खुदसार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था कि गिर से लायंस को यहाँ पे लाया जाए। और चीता भी भारत सरकार इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो भारत में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे सरकार चीता को लाना चाहती है दोबारा? एक है कूनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी लायन भी और चीता भी दोनों यहाँ पे आने का सरकार का प्लान है। दूसरी है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों मध्य प्रदेश में है। और एक है जैसलमेर राजस्थान में जिसका नाम है शाहगढ़ बल्ज लैंडस्केप। तो ये तीन जगहें भारत में जहाँ पे सरकार चीता को दोबारा लाने का या उन्हें पुनर्आवास करवाने का प्रावधान बना रही है। रतापानी सेंचुरी, ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, विंध्या के पहाड़ों में, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे टीक के पेड़ भी मिलते हैं। लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये राजधानी भोपाल से। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में बनाया गया था, और इसको मार्च 2013 में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देने का निर्णय कर लिया, उसे ग्रांट कर दिया था। यानी NTCA ने सरकार को कहा कि आप रतापानी सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दो, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने अपना इनिशियल अप्रूवल तो दे दिया था कि हाँ हम मध्य प्रदेश में रतापनी को और उड़ीसा में सोनाबड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे देंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने नहीं दिया। फाइनली जो दो उन्होंने सिलेक्ट करे वो थे कुद्रेमुख कर्नाटका में और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, जो आज टाइगर रिजर्व है उस वक्त ये टाइगर रिजर्व नहीं था। तो कुद्रेमुख और राजाजी को अलॉट किया था, डिक्लेयर किया था, तो बस कुछ ही समय की बात है जब रतापनी भी एक दिन टाइगर रिजर्व जरूर बन जाएगी। संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आप देख सकते हैं, ये तो छत्तीसगढ़ है पूरा, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एकदम बॉर्डर पे है संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये संजय दुबरी नेशनल पार्क का हिस्सा है, सीधी डिस्ट्रिक्ट है और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश वहां पर है ये। और संजय दुबरी जो नेशनल पार्क है इसका वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आता है उसे बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगली है सिंघौरी सेंचुरी। सिंघौरी सेंचुरी ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, बड़ी तहसील में। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, सांबर, चीतल, वाइल्ड बोर इत्यादि मिलते हैं, और इसे क्रिएट किया गया था 2 जुलाई 1976 को। सरदारपुर सेंचुरी है धार डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे एक खास किस्म का पक्षी मिलता है जिसे बोलते हैं खार मोर पक्षी। लेकिन याद रखिए खार मोर के लिए पॉपुलर ये नहीं है, खार मोर के लिए जो सबसे पॉपुलर है वो है सैलाना बर्ड सेंचुरी, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सैलाना बर्ड सेंचुरी का तो नाम ही रख दिया है खार मोर बर्ड सेंचुरी। ये खास किस्म का पक्षी होता है जिसे बोलते हैं खार मोर, ये एक तरह का फ्लोरिकन पक्षी होता है, फ्लोरिकन प्रजाति का पक्षी होता है खार मोर, तो ये रखा जाता है सरदारपुर सेंचुरी में। लेकिन जो सबसे फेमस है खार मोर के लिए वो है सैलाना सेंचुरी, ये बनी थी 1983 में रतलाम डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे खार मोर पक्षी रखा जाता है जो मेन इसकी अट्रैक्शन है, इसलिए इसका नाम ही है सैलाना खार मोर सेंचुरी। नेक्स्ट है राला मंडल सेंचुरी, ये इंदौर में है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राला मंडल सेंचुरी। यहाँ पे ब्लैक बग, सांबर, चीतल इत्यादि रखे जाते हैं। इसका जो एरिया है सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे बेतवा नदी बहती है ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेतवा के अलावा एक और छोटी नदी है जिसको बोलते हैं जामनी नदी, वो भी यहाँ से बहती है, और ये भी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, 1994 में ये बनी थी। वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, रानी दुर्गावती जी के नाम पे इनका नाम रखा हुआ है, दामोह डिस्ट्रिक्ट में है ये, और कई तरह के यहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, 1997 में ये बनी थी। गंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक बहुत छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केन नदी के किनारे, और यहाँ पे आपको दो तरह के मगरमच्छ मिलते हैं, एक तो घड़ियाल, जो भी नदी के किनारे होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घड़ियाल उसमें जरूर मिलेंगे, केन और सोन नदी के किनारे, एक तो हैं घड़ियाल और दूसरे हैं जिन्हें बोलते ही हैं मगर। तो फर्क ये होता है घड़ियाल में आगे वो स्नाउट निकला हुआ होता है, चोंच सी निकली होती है, लेकिन मगर में ऐसा नहीं है। और ये भी पन्ना नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, उसके बफर एरिया का काम करती है, तो पन्ना नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है गंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है सोन घड़ियाल सेंचुरी।
सोन घड़ियाल सेंचुरी सीधे डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे खास तरह के जानवर रखे जाते हैं तीन, एक तो घड़ियाल जो आप जानते हैं, दूसरा मार्श क्रोकोडाइल, और तीसरा है जिसे बोलते हैं इंडियन स्किमर पक्षी। ये आप देख सकते हैं, इस पक्षी का नाम है इंडियन स्किमर, जिसे साइंटिफिकली बोलते हैं रिंग चॉप्स एल बी कोलिस, और ये भी रखा जाता है यहाँ पे। बाकी घड़ियाल के लिए जानी जाती है, नाम ही है सोन घड़ियाल सेंचुरी। लेकिन अब एक बात याद रखिए, जो मध्य प्रदेश में मिट्टी की माइनिंग चल रही है, जो मिट्टी का इलीगल माइनिंग चल रहा है सैंड का, उसकी वजह से घड़ियाल अब खत्म होने वाले हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, सोन घड़ियाल सेंचुरी में पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक घड़ियाल बचा है, और पिछले दो साल में तो वो एक भी नहीं देखा गया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोन घड़ियाल सेंचुरी से अब सारे घड़ियाल खत्म हो चुके हैं, और ये खत्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो मिट्टी है उसको लोग निकाल लेते हैं इलीगली, और मिट्टी के निकालने से घड़ियाल का जो घर है वो बचता नहीं है, क्योंकि जनरली जो नदियों के अंदर मिट्टी होती है किनारे पे, उस पे अपना ये घर बनाते हैं, और वहीं पे ये सूरज की धूप सेकने बाहर आते हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के सारे वन्यजीव अभयारण्य। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से चंबल नदी होके गुजरती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।